भैया एक हफ्ते से दुकान में केवल दो ही ग्राहक आए हैं, कमाई भी नहीं हो रही भैया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आज तुझे एक मैजिक ट्रिक सिखाता हूँ मैं ग्राहक को लाने की। मैजिक ट्रिक? छोटू इधर आ। जी भैया। एक काम कर, जो पीछे कीले पड़ी हुई है ना उनको ले जाके 500 मीटर दूर सड़क पे फेंक के आ जा। समझिए भैया, सड़क पे कीले क्यों फेंकवा दी? अरे पागल, सड़क से सबसे पास दुकान किसकी है? हमारी। तो जितनी भी गाड़ियों में पिंचर होगा वो सबसे पहले हमारी दुकान पे आएंगे, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। समझ आई बात? भैया ये धंधा करने का एकदम गलत तरीका है, हमें ऐसे नहीं कमाने चाहिए पैसे। देख, पैसा चाहे जैसे भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेब में पैसा होना चाहिए। भैया हमारा गलत किया, वापस जरूर लौट कर। ओ, हो गया तेरा पूरा? एक काम कर, घर जा चल। भैया एक बोल दिया ना, जा यहां से। ध्यान देती रहती है मुझे बिजनेस का, जा यहां से। अरे छोटू हुई नहीं का कील का काम क्या? रहा हूं भैया, जल्दी जा। इसका वारंटी कार्ड है नहीं है? यार वारंटी कार्ड तो नहीं होगा। नहीं है? अरे भैया ये तो खराब बोली, वारंटी कार्ड है नहीं, बदलवानी पड़ेगी। यार अभी कुछ दिनों पहले ही चेंज कराई है, कुछ रिपेयर नहीं हो सकता क्या इसमें? अरे भैया 15 साल से काम कर रहे हैं, रिपेयर होनी होती तो पहले बताया था, ये तो बदली जाएगी। कितना खर्चा आएगा इसमें? आ जाएगा जी आपका 8,000 रुपये लगेंगे। 8,000? अरे दिक्कत मतलब आपकी बड़ी एकदम टक करके दूंगा। चलो ठीक है, ये लो आप पैसे रखो, आप करो मैं आता हूँ। ठीक है जी। भैया हाँ, इनकी गाड़ी में तो बैटरी की दिक्कत ही नहीं थी, फिर आपने बैटरी क्यों बदलने के लिए बोला? अरे पागल, इसी को तो बिजनेस कहते हैं, तू भी सीख ले ट्रिक, तुझे भी करनी पड़ेगी। पर भैया ये तो गलत है। तुझे ना मैंने जिस काम के लिए रखा हुआ है ना सिर्फ उस पर ध्यान दे, ये पकड़। पर मुझे आज के बाद ना बिजनेस करना मत सिखाइए। ब्लैक वाली गाड़ी का सस्पेंशन देखिए एक बार। हेलो जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपका नाम मनीष है? हाँ जी मनीष नाम है मेरा। आपके बेटे का नाम राहुल है? हाँ जी राहुल है। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। एक्सीडेंट हो गया राहुल का जी? डॉक्टर साहब मैं अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरा बेटा राहुल, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो अंदर। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए मतलब? अरे कैसे नहीं बचा पाए? आप उसे, आप अंदर जाके एक बार देखो। आप डॉक्टर साहब, एक्चुअली आपके बेटे का बहुत ब्लड लॉस हो चुका था और एम्बुलेंस उसे टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाई। अरे कैसे नहीं पहुंचा पाई एम्बुलेंस टाइम पे उसे? अमर कॉलोनी के पास एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया था। अमर कॉलोनी? और उसको बनने में आधा घंटा लग गया, इसलिए लेट हो गया। भैया ये एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया है, जल्दी ठीक करा दो, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। ठीक है मैं देखता हूँ। छोटू अरे भाई क्या हो गया? यार वो एम्बुलेंस लेकर आ रहा था मैं और रास्ते में पता नहीं कैसे पंचर हो गया, अंदर मरीज है, बहुत हालत खराब है। हाँ भैया, यार 8-10 पिंचर है इसमें, तो पूरा टायर खराब हो गया, बदलना पड़ेगा। तो कितना टाइम लग जाएगा इसमें? भैया देखो पूरा टायर बदलना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा इसमें। भैया जल्दी करा दो यार, अंदर मरीज है, उसकी हालत बहुत खराब है और आसपास कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। परेशान मत हो, मरीज को कुछ नहीं होगा। छोटू टायर खोल। अरे पान ना तो ले आ पहले।
हाँ जी हो गया आपको। कितने पैसे हो गए? इसमें 3,000 रुपये हो गए जी आपको। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।